मुख्यमंत्री योगी भले ही वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उससे पहले वो एक मठ के पीठाधीश्वर भी हैं और शायद यही वजह है कि वो दोनों जिम्मेदारियां बड़ी ही गंभीरता से निभाते हैं। जहां वो प्रदेश की समस्या को लेकर गंभीर नजर आते हैं, वहीं पीठाधीश्वर होने के नाते वो पूजा अर्चना भी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। आज अष्टमी है और कालरात्रि माता की पूजा अर्चना सीएम योगी सुबह से कर रहे हैं। सुबह भी वो माँ का पाठ कर पूजा अर्चना किए और फिर शाम होते ही फिर माँ के पाठ कर उनकी आरती करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ऊपर से नीचे नहीं आए, ऊपर अपने मंदिर और कमरे में ही पूजा अर्चना करते रहे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ हवन किया और योगी आदित्यनाथ ने शक्ति आराधना की। जन इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बना हूं। नवमी के अवसर पर कन्या पूजन के कार्यक्रम में भी भाग लेकर के इस अनुष्ठान को पूर्णता की ओर पहुंचाने हम लोग कार्य करेंगे। मेरे अपील सभी श्रद्धालुजनों से यही है कि पर्व और त्योहारों की पवित्रता उसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए इन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करें। आरती एवं क्षमा याचना की गई और प्रसाद वितरण किया गया। सीएम योगी अष्टमी की रात विशेष महानिशा पूजा भी करेंगे। गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट।